हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2, डीएवी 6 क्लास मैथ्स बुक एंड वर्कशीट नंबर 4। नाउ इट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। फर्स्टली वी राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। Greatest 4 digit number। तो अब आप यहाँ देखिए कि मैंने इससे पहले भी आपको कराया था कि या तो हमें लिस्ट नंबर लिखना आ सकता है या ग्रेटेस्ट, मीन्स या तो छोटा या बड़ा। जब आपके पास आता है लिस्ट नंबर, मीन्स मान हम फॉर एग्जांपल हम 4 डिजिट ही लेते हैं, तो 4 डिजिट में अगर हमें लीस्ट नंबर लिखना है तो आगे हम 1 लिखते हैं और 3 ज़ीरोस। अगर हमें लिखना है ग्रेटेस्ट, अब आप ये सोच के बताइए कि हमारे पास जो मैथ्स में डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हमारे पास डिजिट्स हैं। इन डिजिट्स में सबसे बड़ी डिजिट हमारे पास क्या होती है? 9। अगर हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमें सारे ही हमें कौन से लेने पड़ेंगे? 9। तो हमारे पास नंबर आया है 9, 9, 9 एंड 9। एक बार दोबारा से हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, देयरफॉर आर नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 9, 9, 9 एंड 9। नाउ एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, सेम उसी प्रोसेस पे एक्सप्रेस इट मींस इस वाले नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है। इट मींस हमें ये जो नंबर है, पहले हम इसके क्या करने पड़ेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको याद होगा अब इससे पहले वाले जो वीडियो हमने की थी उसमें हमने ऐसे ही किया था। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब आप ये देखो मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाए थे, अब उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट अगर वो क्या आ जाए 0, 2, 4, 6 एंड 8, इट मींस वो 2 से डिविजिबल है। अब हमने देखा यह लास्ट डिजिट हमारी 0, 2, 4 एंड 6 एंड 8 में से नहीं है, तो अब हमारा ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आप ये देखो आपके प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, मीन्स जो या तो 1 से डिवाइड होते हो या फिर वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करे। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? 2 होता है, 3, 5, 7, मीन्स आप थोड़ा सा याद रख लो जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। अब 2 ने तो इसको डिवाइड नहीं किया, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? 3। अब आप देख लो ये तो हम बिना देखे ऐसे ही पता चला क्योंकि 9, 9, 9, 9 ये तो हमारा 3 के टेबल में आता ही है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर लो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें सम ऑफ डिजिट्स निकाल लो, मीन्स 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9। 9 कितने टाइम ऐड हुआ है? 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 9 27, 27 प्लस 9 36, तो 36 आया हमारा सम ऑफ डिजिट। अब आप इस सम ऑफ डिजिट को ही 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 वन ज़ा 3 एंड 3 टू ज़ा 6, तो हमारा डिविजिबल है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि हमारा यही नंबर है वो भी 2 से डिविजिबल है, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, ओरली ही हो जाएगा। अब आप देखो 9 3 के टेबल में कहाँ थे? 3 3 ज़ा 9 9, कहाँ पे आएगा? 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ देखो इसमें भी हर एक डिजिट 3 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3 3 वन ज़ा 3। अब यहाँ देखना है कि पहले 3 से डिविजिबल है या नहीं। हमारा नंबर है 1 1 1 1, सम ऑफ डिजिट निकालो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1 2 3 एंड 4। क्या 4 कभी 3 की टेबल में आया है? नहीं आया, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक बार अपनी ये टेबल दिखा देती हूँ जो हमने इससे पहले किया था। 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा। अब 5 का 5 से देखो, क्या लास्ट डिजिट 0 या 5 आई है? नहीं आई, तो ये इससे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 5 से भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से डिवाइड करके देख लो, ये 7 से भी नहीं होगा। आप बेशक इसको करके देख लेना, 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है।
वन 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 वन, सेवन से, सेवन वन ज़ा सेवन, फोर रिमाइंडर वन, सेवन फाइव ज़ा 35, सिक्स वन, सेवन की टेबल में 61 नहीं आता, सेवन एट ज़ा 56, फाइव, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर रह गया, तो भी ये हमारा सेवन से भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, हमारे जिन पे रेड सर्कल है वो हमारे कैसे है प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आपने देखे होंगे, इसके अलावा आपने कहीं नहीं देखे। अब इसके बाद हम 11 से चेक कर लेते हैं, वैसे भी थोड़ा सा दिख रहा होगा 1111 आ रहा है बहुत बार, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पेपर नहीं है तो मैं आपको किसी दूसरे पेपर पे करके दिखा रही हूँ। 1111 हम इसको 11 से डिवाइड कर लेंगे, 11 वन ज़ा 11, ये तो हो गया डिवाइड यहाँ तक। तो अब हमने यहाँ से ये वाले डिजिट ली वन, क्या ये तो 11 से डिवाइड करेंगे बहुत छोटा हो गया, 0, फिर हमने फिर से 1 लिया, 11 वन ज़ा 11 हो गया डिवाइड, तो यहाँ से हमारा आया 101। 11 से जब किया तो अभी मैंने आपको दिखाया था, 11 से डिवाइड किया तो 101। अब हम इसको देखो, मैंने आपको एक वर्कशीट में क्वेश्चन भी कराया था, आप इसको यहाँ से देख लो। जब मैंने आपको ये कराए थे, एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें हमें 50 से 110 तक हमें प्राइम नंबर्स फाइंड करने थे। 100 तक तो हमें प्राइम नंबर्स फाइंड कर रखे हैं, 97, 100 तक रखे हैं, लेकिन जो हमारा 101 है वो 100 से एक नंबर आगे है। लेकिन बेटा आपने बहुत सारी टेबल्स लर्न कर रखी हैं, क्या आपने कभी 101 कहीं देखा है? कहीं नहीं देखा। यह अभी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, मीन्स ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है 101 से, और किसी से नहीं होता। ठीक है, तो 101 की टेबल में कहाँ पे आएगा, 1 पे आएगा। ये यहाँ गलती से लगे, ये नहीं है। ठीक है, तो 101 ज़ा 101, तो यहाँ क्या आएगा, 1। तो हमने यहाँ से देखा कि राइट द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 9999 एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9999 इज 3 × 3 × 11 × 101। अब हम यहाँ देखें, 3, हाउ मेनी टाइम्स 3 इज रिपीटेड हियर, 2 टाइम्स, देखो 3 raised to power 2 × 11 × 101। आर क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड, नेक्स्ट आर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज, राइट द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी हमने जैसा पढ़ा था कि या तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो या फिर ग्रेटेस्ट, अब इसमें क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, जब स्मॉलेस्ट लिखना होता है तो पहले 1 लिखना होता है, और 4 डिजिट है, 4 में से एक प्लेस, देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 प्लेसेस है, यहाँ सबसे पहले तो 1 लिख दिया। अब जब हमें लीस्ट नंबर लिखना हो, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी, 0, 0, 0, 0 एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमने इसे लाइन लगा ली। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि किस पे डिवाइड हो रहा होगा। अब आप देखो डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 ज़ा 10 होते हैं, बस ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो 0 ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, चाहो तो करके देख लेना डिवाइड, अगेन 2 से डिवाइड करके देखें, 500 को 2 से, 2 2 ज़ा 4 1 2 5 ज़ा 10, ये सिर्फ ये 10 नीचे ली थी, 10 रह गया तो वो यहाँ पे 250, अगेन वी डिवाइड 250 एंड इट्स लास्ट डिजिट इज़ 0 एंड वी नो इफ लास्ट डिजिट इज़ 0 देयरफॉर इट इज़ डिविजिबल बाय 2।
अब ये टू से डिवाइड है, डिवाइड हो जाएगा, या तो इसको ओरली डिवाइड कर लो। टू की टेबल में आप देखो टू कहाँ पे आता है, टू वन ज़ा टू। क्या टू की टेबल में फाइव आता है? नहीं आता है। तो टू टू ज़ा फोर, फोर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइव, तो वन अभी रहता है, तो वन यहाँ से और ज़ीरो यहाँ से, टू फाइव ज़ा टेन। ठीक है, अब ये हो गए 125। अब अगर आपको 250 डायरेक्ट नहीं ये डिवाइड करना आ रहा है तो यहाँ लिख के कर लेना 125। अब लास्ट डिजिट 5 आई है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? मैं एक बार लिख रही हूँ 2, 3, 5, 7, ये मैं अपने सारे प्राइम नंबर्स लिख रही हूँ। 2 लास्ट डिजिट हमारा इवन नंबर नहीं है तो ये कैंसिल। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? सम ऑफ डिजिट फाइंड करो, 5 में 2 प्लस करो 7, 7 में 1 प्लस करो 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। लास्ट डिजिट 5 है, अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 125 को 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 टू ज़ा 10, 5 फाइव ज़ा 25। तो ये हमारे किससे डिवाइड होगा? 25 पे, क्योंकि हमारा आंसर 25 है। अगेन हमें पता है 25 किसकी टेबल में आता है? 5 में, 5 फाइव ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे, हमें क्या लिखना था, हमारा क्वेश्चन एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, देयर फोर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, हमारा क्या है 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 इज 2। 2 यहाँ कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? 1, 2, 3 टाइम्स। 2 इज़ रिपीटेड 3 टाइम एंड 5 इज़ रिपीटेड 3 टाइम, देयर फोर 5 raised to power 3, एंड दिस इज़ आर आंसर। 2 raised to power 3 एंड 5 raised to power 3। नेक्स्ट आर क्वेश्चन इज़,